स्क्रीन दिख रही है, क्लियर है? देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। ज्योति स्क्रीन दिख रही है? यस बोल दीजिए, दिख रही है तो? यस सर। चलिए जी, तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का क्वेश्चन नंबर वन है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलोइंग आर द सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स अकॉर्डिंग टू द मॉस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। देखिए मॉस्लो के जो क्वेश्चन हैं वो हर एक पेपर में आए हैं। सीपीडी का जो पेपर हुआ था ग्रेड टू का, उसमें मॉस्लो की थ्योरी को बहुत पसंद किया, आई डोंट नो क्यों पसंद किया है। तो मॉस्लो का प्रेरणा का पदानुक्रम के अनुसार स्वपूर्ति की आवश्यकताएँ हैं। मॉस्लो का प्रेरणा का पदानुक्रम के अनुसार स्वपूर्ति की आवश्यकताएं हैं, अनुसार फॉलोइंग ये चीज़ें स्वपूर्ति की आवश्यकताएं हैं। ओके सॉरी, पहला आंसर मैंने डिस्प्ले कर दिया। चलिए सो इसमें आंसर्स जो दिए गए हैं वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी कि क्रियात्मक आवश्यकता, बिलोंगिंग्स एंड लव नीड्स विश्वास और प्यार की आवश्यकता, एंड एस्टीम नीड्स यानी कि बड़ी इच्छाएं। तो यहाँ पर मास्लो ने जो आवश्यकताएं बताई थी, ओके, मास्लो ने जो प्रेरणा के पदानुक्रम के अनुसार मतलब मोटिवेशन के लिए जो आवश्यकताएं बताई थी सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए, उसमें से कौन सी आवश्यकता यहाँ पे है, कौन सी आवश्यकता यहाँ पे है? ज्योति, मैंने आपको आवश्यकताएं के बारे में कुछ तो बताया था कि कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं। यस सर, आपने पांच वो बताई थी। सबसे पहले होती है साइकोलॉजिकल नीड, यस, फिर उसके बाद आती है सेफ्टी नीड, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर सेल्फ स्टीम वाली आती है, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। साइकोलॉजिकल नीड्स में सबसे पहले इंसान को फूड, वाटर, ये सब बेसिक नीड है जो चाहिए पड़ेगी। फिर उसके बाद उसको सेफ्टी की भी जरूरत पड़ेगी, जिसमें घर वगैरह रहता है। और फिर उसके लिए लव एंड बिलोंगिंगनेस जरूरी है। फिर उसको एस्टीम भी बढ़ जाएगा उसका। तो फिर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आत्मविश्लेषण की जो अवस्था सेल्फ होती है, फुलफिलमेंट नीड। सेल्फ फुलफिलमेंट नीड। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि इसमें से सेल्फ फुलफिलमेंट नीड कौन सी है, तो सेल्फ फुलफिलमेंट नीड, तो ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि जो कुछ ना पढ़ के गया हो वो भी लगा देगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ड सेल्फ मिल रहा है और यहाँ भी सेल्फ मिल रहा है, तो सेल्फ फुलफिलमेंट की नीड को एक ही चीज़ यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है, जिसका नाम है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब कि आत्मविश्लेषण। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट आंसर इसका है आत्मविश्लेषण। और ज्योति ने यहाँ पर टोटल इसकी पांच स्टेजेस बताई, जो बहुत अच्छे से उसको नोट भी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक ना? एक बार ज्योति फिर से स्टेजेस जो है आपके पास बता दीजिए। पहली स्टेज क्या होती है, पहली नीड क्या होती है? साइकोलॉजिकल। यस, तो फर्स्ट नीड जो होती है वो होती है साइकोलॉजिकल नीड, यानी कि आपकी मनोवैज्ञानिक, फूड, वाटर, रेस्ट, ये सर इसमें आते हैं बेसिक नीड्स से। ठीक है, इसमें फूड, वाटर, रेस्ट यानी कि बेसिक नीड्स आती हैं। दूसरे नंबर पे कौन सी नीड्स होती हैं? सेफ्टी नीड्स। दूसरे नंबर पे होती हैं सेफ्टी नीड्स, सुरक्षा की आवश्यकताएं। तीसरे नंबर पे कौन सी है? घर है, या फिर घर है, सिक्योरिटी है, उसके लिए चाहिए पड़ेगी। ओके, फिर है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। ओके, फिर इसके बाद थर्ड है बिलोंगिंगनेस एंड लव, ठीक है ना? ये जो लिखी हुई है बिलोंगिंगनेस एंड लव, फैमिली, फ्रेंड्स और कुछ रिलेशनशिप, ये भी जरूरी होती है उसके बाद। वेरी नाइस, एंड फोर्थ क्या? उसके बाद है एस्टीम नीड्स। एस्टीम, एस्टीम, ESTEEM, ठीक है। और फिफ्थ भी है कोई? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ओके, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब कि आत्मविश्लेषण की अवस्थाएं, ठीक ना? तो यहाँ पर केवल एक सिक्योरिटी नीड नहीं दी गई है, बाकी चारों नीड दी गई हैं, है ना? तो ये पांच की टोटल होती है पांच नीड यहाँ पे मास्लो की जो थ्योरी थी। चलिए अगला सवाल करते हैं। फ्रायड, सिगमंड फ्रायड की बात हो जाएगी यहाँ पे। सिगमंड फ्रायड, व्हाट पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑपरेट ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द फ्रायड? फ्रायड के अनुसार आनंद सिद्धांत पर व्यक्तित्व का कौन सा भाग संचालित होता है? आनंद सिद्धांत पर व्यक्तित्व का कौन सा भाग संचालित होता है? विच पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑपरेट्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल? ओके, काम वो करो जो मजा दे, है ना? तो प्लेजर प्रिंसिपल पर कौन सा भाग जो है वो संचालित होता है? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ईगो आइडियल, अहम आदर्श, सुपर ईगो, ओके, पहचान ईगो, इड कहना है आपका, आनंद सिद्धांत पर इड, यस सर, पहचान, पहचान, इड यानी आइडेंटिटी, आईडी, इड, पहचान। चलिए देखते हैं, हाँ,
इड, इड ही बोलते हैं उसको, आईडी नहीं बोलते हैं, है ना। इड यानी कि पहचान वाला जो जी पार्ट है वो जो है आनंद सिद्धांत को फॉलो करता है। लेट्स सी क्या ये सही है कि गलत है। एक सेकेंड इसको, यस एग्जैक्टली बिल्कुल सही पहचान है। तो ये नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्लेजर प्रिंसिपल जिसमें इन्वॉल्व होता है सिगमंड फ्राइड के अनुसार, जहां पर पर्सनालिटी का प्लेजर प्रिंसिपल जो होता है वो पहचान से रिलेटेड हुआ करता है। आनंद सिद्धांत पर जो व्यक्तित्व का पोर्शन जो निर्धारित होता है, जो संचालित होता है, वो पहचान है। इड और ईगो और सुपर ईगो के बारे में आप कुछ बताना चाहोगी ज्योति यहाँ पर? इड ईगो सुपर ईगो में कुछ डिफरेंस आपको क्लियर है कि नहीं है? फिर अभी भी कंफ्यूजन है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन बना लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे फिर से पूछूंगा कि इड, ईगो एंड जैसे सुपर ईगो में डिफरेंस क्या है, जैसे ठीक है ना। तो इड वो तो रिलेटेड आपने कर दिया है कि सर इड का जो वास्ता है वो पहचान से है, से रिलेटेड है। प्लेजर से है। यस, ये सेल्फ एक आपका प्लेजर प्रिंसिपल इससे डेवलप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वॉट इज द टाइम इन अ चाइल्ड लाइफ बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, बच्चे के बचपन और एडल्टहुड यानी कि वयस्कता के बीच में, बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच में कौन सा समय होता है? एडोलसेंस, किशोरावस्था, मेनरेक, रजोदर्शन, मिडिल चाइल्डहुड, मध्यावस्था एंड पबर्टी। तो चार आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। फिर एडोलेसेंस बिल्कुल सरल सवाल है ये, हर कोई इसका आंसर टूट करके दे के आया होगा। और बच्चे के बाल्यावस्था और वयस्कता, बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच में जो 18 साल से पहले और जो उसकी बाल्यावस्था होती है ना, 6 साल 3 साल जो भी है उसके बीच में जो बाल्यावस्था चलती है, कब तक चलती है किशोर, इसके बीच में जो एज आती है उसको एडोलेसेंस एज यानी कि किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सवाल मैं फिर से करूँगा ज्योति आपसे कि बाल्यावस्था का वर्गीकरण कितने जैसे प्रकार में किया गया, आपको पता है कितने टाइप की, चाइल्ड स्टेज कितने टाइप सर की होती वो है? तो 7 स्टेजेस में भी करा, किसी किसी ने 5 में भी करा। तो 5 स्टेजेस आपको पता है कौन कौन सी होती हैं? जैसे बताइए सबसे पहला कौन सा है? सर सबसे पहले आती है इन्फेंट, हाँ, सबसे पहली आती है इन्फेंट। इन्फेंट की एज क्या बताई थी? इन्फेंट को बोलते हैं शिशु, शिशु अवस्था। यस सर उसको टॉडलर भी कहते हाँ, हैं, इसको टॉडलर एज भी कहते हैं, बिल्कुल सही, इसे टॉडलर एज भी कहते हैं, फिर अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, बिल्कुल सही है। इसके बाद है अर्ली चाइल्डहुड और तीसरे नंबर पे है मिडिल चाइल्डहुड, फिर उसके बाद आता है एडोलेसेंस, फिर अर्ली एडोलेसेंस, फिर मिडिल एडल्टहुड, फिर ओल्ड एज। ठीक है, तो ये हमको यहां तक ध्यान रखना है। एडोलेसेंस तक, इसके आगे का हमारे काम में नहीं आएगा। ठीक है, उसको एडोलेसेंट भी बोलते हैं, और इरेक्शन, इरेक्शन ने 8 स्टेज दी थी उसकी, सब ने अलग अलग दी। एरेक्शन की 8 स्टेजेस, 8 स्टेजेस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द टर्म गिवन टू डिस्क्राइब द सडन आहा मोमेंट समटाइम्स हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम्स? जब आप कभी एकदम से सडन आहा मोमेंट समटाइम हेल्प्स टू सॉल्व प्रॉब्लम, यानी कि कोई एक ऐसी चीज कि एकदम से वो चीज जो है आपको सपोर्ट कर फ्लैश गई, बल्ब हाँ, तो वो चीज एकदम से सपोर्ट कर जाती है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आहा क्षण का जो वर्णन है करने के लिए कौन सा पद दिया गया है, कौन सा टर्म है जो आहा है ना, या उत्तरी जिसको अपन यूज करते हैं, कहते हैं समस्याओं को हल करने में मदद करता है, उस क्षण को क्या बोलते हैं? फ्लैश बल्ब, इनसाइट, ऑब्जर्वेशन या डिडक्शन? फ्लैश क्या? बल्ब, फ्लैश बल्ब, ठीक ना, फ्लैश बल्ब। एकदम से आहा मोमेंटरली यहाँ पे आ गया है, तो इसको आपने कहा है फ्लैश बल्ब। आपको ऐसा लग रहा है कि ये दिमाग की बत्ती एकदम से जल गई, इसलिए आपने इसको फ्लैश बल्ब कहा। यस सर। ठीक है, देखिए फिर फ्लैश एकदम बल्ब, से जब हम लोग कोई चीज टच करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, फ्लैश आहा, मतलब साइकोलॉजिकली फ्लैश बल्ब नाम का कोई टर्म जो है पेडागोजी में नहीं है। फ्लैश बल्ब एक फिजिकल टर्म है, फिजिक्स का टर्म है, जैसे सर हमने कोई तो टर्म ऐसे नहीं है। रिलेट करा जैसे हम लोग कोई चीज, मैं समझ गर्म गया, चीज छू लेते हैं हाँ, मैं समझ गया, तो फिर एकदम हमारे अंदर ब्रेन में वो कुछ वो नहीं, ये तो से नर्व ये से जाता है। हाँ मैं समझ गया, फ्लैश बल्ब
छू लिए तो वो एकदम से सेंसेशन मिल गई। ओके, यस सर, तो यहाँ पे जो ये टर्म है ये साइकोलॉजी में नहीं है। एकदम से जो आहा मोमेंट होता है, जो एकदम से समटाइम हेल्प्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जो आपके दिमाग में एकदम से कोई बत्ती जल गई, ओके, उसको यहाँ पर बोलते हैं इनसाइट बोलना चाहिए। तो देखते हैं क्या वाकई में इसको इनसाइट बोलते हैं, अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि। यस, करेक्ट आंसर इनसाइट। नोट करिए यहाँ पे आपको 0 मिले। ओके, सो करेक्ट यस आंसर सर, है यहाँ पे यस। इनसाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द टर्म गिवन टू डिनोट एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू कंसिस्टेंटली मेजर व्हाट इज डिजाइन टू मेजर। ओके, किसी चीज को ज्ञात किया जाना है, उस चीज को ज्ञात करने के लिए लगातार टेस्ट लिए जा रहे हैं, किसी परीक्षण की क्षमता को निरूपित करने के लिए कौन सा पद दिया गया है, जिसे अनुरूपता से मापने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। भैया इसकी हिंदी बड़ी टफ हो रही है, इसके इंग्लिश समझो। व्हाट इज द टर्म इंग्लिश ही गिवन, अच्छी है इसका। इसकी इंग्लिश अच्छी है, इसकी हिंदी बकवास है एकदम। व्हाट इज द टर्म गिवन टू डिनोट, ये पीईबी वाले हैं, ये क्या है, गूगल ट्रांसलेटर से इन लोगों ने मुझे लगता है इंग्लिश कन्वर्ट करी है, खुद से इनका दिमाग नहीं चला है तो इन्होंने गूगल यस सर, ट्रांसलेट कर दिया। गूगल ट्रांसलेट तो मशीन है, उसे फीलिंग आती नहीं है, तो जो जैसा समझ में आया उसने लग दिया है। व्हाट इज द टर्म गिवन टू डिनोट द एबिलिटी ऑफ ए टेस्ट टू कंसिस्टेंटली मेजर व्हाट इज डिजाइन टू मेजर, है ना, किसी उसको क्या टर्म दिया गया है, किसी चीज को नापने की क्षमता, एबिलिटी टू टेस्ट टू कंसिस्टेंटली मेजर व्हाट टू डिजाइन टू मेजर। मतलब एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि किसी चीज को ज्ञात किया जाना है, और जिस चीज को ज्ञात किया जाना है उसकी कंसिस्टेंसी निकालने के लिए, उसकी निरंतरता निकालने के लिए कौन सा टर्म इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, मानदंड, सर नम्स, विश्वसनीयता, रीजनिंग एंड रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, चार ऑप्शंस दिए गए हैं कि क्या कहा जाएगा। वैलिडिटी, वैलिडिटी, वैधता, रिलायबिलिटी, यस सर। नॉर्म्स, रीजनिंग। चलिए क्या कहेंगे, कोई टेस्ट नॉर्म्स में है, रिलायबल है, रीजनेबल है, वैलिड है। ओके, बहुत ही सिंपल, हिंदी में भी इसको समझा जाए तो कोई चीज यहां पर कंसिस्टेंटली मेजर, मतलब उसके एक तरीके से बात की जा रही है कि वो चीज नियमित, नियमित, कंसिस्टेंटली का मतलब होता है नियमित, ठीक ना, लगातार, और जो चीज लगातार रिलायबिलिटी, होती है वो विश्वसनीय होती है, जो चीजें लगातार होती हैं। यस, तो यहां पे जो है, अब देखिए यदि हम बात करते हैं वैलिडिटी की, तो वैलिडिटी लगातार से रिलेटेड नहीं है, ये नहीं जाएगा, रीजनिंग नहीं जाएगा, नॉन्स का मतलब मापदंड है, तो मेरे ध्यान से आंसर रिलायबिलिटी होना चाहिए। लेट्स सी द आंसर, करेक्ट आंसर है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। 1 मार्क्स आपको मिलेंगे, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेनिफिट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, बेनिफिट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन के बेनिफिट्स क्या हैं। ओके, समावेशी शिक्षा के लाभ क्या हैं। फर्स्ट, डेवलप मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स ओनली, केवल नैतिक और नीति शास्त्र सिद्धांत विकसित करना। इंक्रीज कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स, केवल संचार और सामाजिक कौशल बढ़ाना। इंक्रीज एक्सेप्टेंस एंड अप्रिशिएशन ऑफ डाइवर्सिटी ओनली, केवल विविधता की स्वीकृति और प्रशंसा बढ़ाना। ऑल ऑफ अबव। चलिए, तो आपको बताना है कि इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के क्या लाभ हैं। सर वैसे इंक्लूसिव एजुकेशन में तो ये है कि जो डिसेबल लोग हैं, मतलब जो अपंग लोग हैं, उनको भी साथ में पढ़ाना चाहिए। पर यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिए वो भी सही है, ऑल ऑफ द अबव होगा। तो इसका एक बहुत बड़ा फैक्ट होता है कि केवल विविधता की स्वीकृति, मतलब कि आप डिफरेंसेस को बहुत रेडियली एक्सेप्ट करते हो, इंक्लूसिव एजुकेशन में सबको साथ में लेकर के चलना, विकलांगों की भी बात इसमें की गई है, नैतिक और केवल नैतिक और नीति शास्त्र सिद्धांत विकसित करना, राइट यहाँ ऑप्शन पे ज्यादा लग है रहा ना, वह ज़्यादा ऑप्शन लग रहा है चारों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बट इजी हो जाता है, और ऐसे ज़्यादातर आंसर जिनमें ऑल ऑफ द अबव होते हैं उनके आंसर ऑल ऑफ द अबव ही हुआ करते हैं ना। है। यस सर, यस, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट करते हैं, टू अर्ज टू प्रोवाइड केयर एंड प्रोटेक्शन टू ऑफस्प्रिंग इस फॉलोइंग मोटिव, संतानों की देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह कौन किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? संतानों को प्रोटेक्शन देना और उनकी अपने प्रोटेक्शन पेयर करना, केयर देना कैसा है? इट इज़ रिलेटेड टू सेक्स यानी यौन, मैटरनल मात्र अभिप्रेरणा, अचीवमेंट यानी उपलब्धि एंड एफिलेशन यानी कि संबंधन, किस प्रकार की ये अभिप्रेरणा है? क्या लग रहा है? मम्मी का होगा इसका तो ओके, आपका कहना है ये मैटरनल मोटिव है, आपका सेकंड कहना है हाउस ये मैटरनल मोटिव है। सिर्फ लेट्स मैटर। सी, बिल्कुल सही लग रहा है और आपका जवाब बिल्कुल सही है, 1 मार्क्स मिलेंगे आपको। मैटरनल मोटिव क्योंकि यहाँ पे संतान की देखभाल करने का जो भाव होती है एक माँ की जैसा होता है, तो मैटरनल मोटिव सही है। चलिए एरिक एरिक्सन की बात यहाँ पर आ रही है, अगला सवाल है एरिक्सन से रिलेटेड, विच ऑफ द एरिक्सन स्टेटेड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट रिजल्ट इन द वर्च्यू ऑफ कॉम्पिटेंस, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास, तो देख लीजिए यहाँ से नोट कर लीजिए एरिक्सन का कौन सा विकास है, मनोसामाजिक, ओके मनोसामाजिक, ठीक है ना, मनोसामाजिक मतलब साइको सोशल, यहाँ पे है साइकोलॉजिकल नहीं है, ये साइको सोशल डेवलपमेंट है। विच ऑफ द एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के कौन से चरण में प्रतियोगिता भावना विकसित होती है, कौन से चरण में प्रतियोगिता भावना विकसित होती है एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास में? ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास, इमिटेंसी वर्सेस आइसोलेशन, घनिष्ठता बनाम अलगाव, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, अखंडता बनाम निराशा, एंड इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी, इन्फ्योरिटी परिश्रम बनाम हीनता। सो कौन सी एज में डेवलप होती है कॉम्पिटेंस की भावना, प्रतियोगिता की भावना किस चरण में उत्पन्न होती है? विश्वास बनाम अविश्वास, घनिष्ठता बनाम अलगाव, इगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। साइक्लोज थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, इगो इंटरसरी, इगो जुड़ा हुआ है यहाँ पे इसलिए आपको लग रहा है थर्ड ऑप्शन, इगो है तो वो है कंपटीशन है। चलिए देखते हैं थर्ड ऑप्शन सही है कि नहीं है। ओके थर्ड ऑप्शन देखेंगे और गलत है इसका आंसर, इसका आंसर गलत। है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, बहुत सारे लोगों ने यही आंसर लगाया था इसका, ईगो वर्सेस ईगो इंटीग्रेटिव डिस्पेयर। ओके ये गलत जवाब है, नोट करिए इसका आंसर है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, मतलब कि परिश्रम बनाम हीनता, ठीक ना? तो परिश्रम बनाम हीनता के चरण में प्रतियोगिता भावना का विकास होता है, प्रतियोगिता भावना जो होती है वो विकसित होती है, ठीक है? प्रतियोगिता परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इंफियोरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज कैन नॉट बी यूज बाय अ टीचर फॉर अ मेंटली रिटार्डेड लर्नर, एक मानसिक रूप से मंद शिक्षार्थी के लिए कौन से कार्य की नीति का उपयोग नहीं किया जाना है? जी हाँ, नहीं करना है। फर्स्ट, छोटे से काम को बड़े से, छोटे कठिन कार्यों से बड़े कार्यों में विभाजित करना। अच्छा, छोटे कठिन कार्यों से बड़े कार्य में विभाजित करना मतलब ब्रेकिंग स्मॉलर टास्क इंटू लार्जर स्टेप, मतलब छोटे छोटे काम को और जोड़ करके और बड़ा बना दो। चलो भैया ये तो मुझे लगता है ऐसी अच्छी बात नहीं है, गलत बात है ये। देन सॉरी, प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन टू लर्नर यूजिंग विजुअल एड्स, विजुअल एड्स का यूज करना, बच्चे को दिखाना, इन्वॉल्विंग द लर्नर इन ग्रुप एक्टिविटीज, ये भी सही बात है, प्रोवाइडिंग द लर्नर विद इमीडिएट फीडबैक, लर्नर को तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना। अब बताइए कौन सा काम आप करना गलत है? बहुत ही सिंपल सवाल, हर कोई बच्चा इसका सही जवाब लगा के आया होगा। क्या है? ब्रेकिंग स्मॉलर टास्क इंटू लार्ज स्टेप, जो इसका आंसर है कि मतलब ब्रेकिंग स्मॉलर टास्क इंटू लार्जर स्टेप, मतलब कि छोटे कार्य को बड़े कार्य में विभाजित करना, ये कोई सही अप्रोच नहीं है, ये जो है गलत अप्रोच है। ओके क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे,
अकॉर्डिंग टू गुड एंड पावर विच कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट आर मोर लाइकली टू इंगेज आउटबैंड एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू गुड एंड पावर विच कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट आर मोर लाइकली टू इंगेज इन आउटबाउंड एक्टिविटीज अच्छाई और सबलता के अनुसार छात्रों की किस श्रेणी में आउटबाउंड गतिविधियों में संलग्न होने की अधिक संभावना है अच्छाई और सबलता के अनुसार छात्रों की किस श्रेणी में आउटबाउंड गतिविधियों में संलग्न होने की अधिक संभावना है मतलब आपको छात्रों की श्रेणी बतानी है फर्स्ट सोशल ओके देन फैंटम देन सक्सेसफुल एंड डिपेंडेंट यानी कि निर्भर कौन सी छात्रों की श्रेणी है जिनके चांसेस लग रहे हैं कि वो आउटबाउंड गतिविधि आउटबाउंड एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें वो इन्वॉल्व हो जाएंगे सोशल बच्चे हों फैंटम टाइप के बच्चे हों सक्सेसफुल सफलता वाले बच्चे हों या डिपेंडेंट ओके सो लाइव आंसर्स में इस बहुत सारे लोग सोशल बता रहे हैं कि ऐसे जो बच्चे होंगे वो सोशल होंगे चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है सो बिल्कुल सही जवाब है जिन लोगों ने जवाब दिया है सोशल करेक्ट आंसर है कि सोशल टाइप के स्टूडेंट होंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 11 स्पेशलाइज टीचिंग स्ट्रेटजी गेयर्ड टूवर्ड सपोर्टिंग स्टूडेंट्स लर्निंग इज छात्र के सीखने का समर्थन करने के लिए तैयार विशिष्ट शिक्षण रणनीति क्या है छात्र के सीखने का समर्थन करने के लिए तैयार जो है विशिष्ट शिक्षण रणनीति क्या है कौन सी है भाई राइटिंग लेखन है स्कैफोल्डिंग है रीडिंग है या ब्रेनस्टॉर्मिंग है लेखन स्कैफोल्डिंग रीडिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग कौन सी है जो सीखने का समर्थन करे जो सीखने का समर्थन करे उसके लिए विशिष्ट शिक्षण नीति कौन सी है लेट्स सी तो ज़्यादा जवाब आ रहे हैं भाई स्कैफोल्डिंग के ओके ज़्यादा जवाब आ रहा है स्कैफोल्डिंग के देखते हैं स्कैफोल्डिंग सही आंसर है या नहीं है ओके करेक्ट आंसर स्कैफोल्डिंग इज़ द करेक्ट आंसर ओके गाइस सो आज के लिए यहाँ पर हम 11 क्वेश्चंस को ही कंप्लीट करते हैं आज की डेट है दिस इज़ 1 मार्च 2022 ठीक है सो इसको हम फिर नेक्स्ट कल क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे आज के लिए हम यहीं पर इस क्लास को एंड करते हैं थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर